माई YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो गाइज, आज है संडे का दिन और मेरी बर्थडे है 30 मई को, तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे आज, क्योंकि जाहिर सी बात है और मतलब मेरी जो बर्थडे आ रही है वो है मतलब वर्किंग डेज में, तो हम लोग फिर जाहिर है जाना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग ने सोचा कि यार क्यों ना आज ही सेलिब्रेट कर लें, आज है संडे का दिन, जाहिर है सब फ्री होते हैं, सारे जेंट्स भी फ्री होते हैं, तो बहुत ईजीली हम लोग जा सकते हैं। तो खैर, यहाँ देखें, मैंने बर्थडे की खुशी में, घूमने की खुशी में मैंने यहाँ लगाई मेहंदी, देखें कितनी प्यारी लग रही है। तो गाइस, अभी बस मैं तैयारी कर रही हूँ, देखें आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाले इयर रिंग्स, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो खैर, अभी बस मैंने अपना ड्रेस वगैरह निकाल लिया और बस मैं जा रही हूँ उसको प्रेस करने के लिए। तो मेकअप वेकअप भी सब निकाल लिया, इस तरह चीज़ें पहले से निकाल लो ना तो जाना तो बड़ा इजी हो जाता है, हर चीज़ जब सामने मौजूद होती है। तो बस स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग, सो वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। यहाँ मैंने अपना मेकअप साथ ज्वेलरी वगैरह निकाली, देखें ये वाला मैं पेंडेंट पहनने वाली हूँ और इयर रिंग ये वाली जो मैं पहनी हुई हूँ, मैंने पहले से पहन के चेक कर रही थी पहन के कैसी लग रही हैं, तो खैर बहुत ही प्यारी लग रही हैं पहन के। और बाकी सारा मेकअप मैंने निकाल लिया है और मैं अपना जा रही हूँ उस ड्रेस प्रेस करने जा रही हूँ, उनके कपड़े प्रेस करूँगी। शाल को तो मैं लेकर ही नहीं जाऊँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो गाय थी शाल को तो मैं लेकर नहीं जाती क्योंकि मैंने अब उसको ले जाना छोड़ दिया, जब तक वो थोड़ी बड़ी नहीं हो जाएगी ना, समझदार नहीं हो जाएगी, तो मैंने सोचा इसको मैं जब तक ज़्यादा कहीं लेकर नहीं जाऊँगी क्योंकि वो जाकर सिर्फ रोती रहती है। तो खैर, मैं आज अपना मज़े की बात, मैं आज अपना फेस भी रिवील कर दूंगी, तो आपको मेरा व्लॉग आज का एंड तक देखना और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार आज के व्लॉग होने वाले। अब देखें कि हम जाते कहाँ पर हैं। और मेरे चैनल को अभी तक जितने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जाए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाओ, मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं। तो गाइस, जाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। शाल को मैंने लिया है क्योंकि मुझे छोड़ना है इसको इसकी नानी के घर, तो बस ये भी हम हैं रास्ते में, यहाँ ये कर रहे हैं ड्राइविंग, तो बस टाटा जा रहे हैं। अच्छा भाई, मेरी बेटी समझ रही है, मैं भी टाटा जा रही है। तो मैंने यहाँ खोली हुई है टॉर्च क्योंकि हमारी गाड़ी की लाइट ख़राब हो गई, तो मैं ब्लॉग कैसे बनाती थी, मैंने थोड़ा टॉर्च वगैरह खोल ली। तो खैर गाइस, फिर वहाँ पहुँच के मिलते हैं। तो गाइस, शाल को हमने छोड़ दिया है और अभी तक हम लोग रास्ते में ही हैं, पहुँचे नहीं। A few moments later. तो गाइस, हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हम लोग आए हैं यहाँ चौपाल, जहाँ बहुत सारे सिर्फ बुफे बुफे होते हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं अंदर, अभी फिलहाल यहाँ कर रहे हैं कार पार्क। तो गाइस, हम यहाँ पहुँचे चौपाल, फिर चौपाल आने के बाद पता चला कि यार 11:30 बजे तक तो ये बंद हो जाएगा। तो फिर इन्होंने कहा क्या करें, मैंने कहा नहीं फिर बेकार है, जाहिर सी बात है साढ़े आधे घंटे में हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ होता है बुफे सिस्टम, होटल करता है ये भी खाओ वो भी खाओ वो भी खाओ ये खाओ। तो खैर, फिर हम लोग दोबारा यहाँ से भी वापस हो गए। तो गाइस, सारा प्लान हमारा बिल्कुल 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 चौपट हो गया और 2 घंटे से हम लोग सिर्फ घूम ही रहे हैं। तो जिस होटल जिस रेस्टोरेंट हमने जाना था वो रेस्टोरेंट हमें मिला नहीं, तो मतलब मिला ही नहीं हम लोगों को। तो फिर हम लोगों ने प्लान करा चलो चौपाल चलते हैं, वहाँ गए तो वहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि 11:30 बजे तक ही बंद हो जाएगा। तो फिर हमने कहा नहीं बेकार है, आधे घंटे में क्या करेंगे, जा रहे हैं वहाँ तो बुफे होता है, दिल करते सभी कुछ खाओ और आधे घंटे में तो इंसान जाहिर कुछ खा पी भी नहीं पाएगा। तो खैर बस अभी तो मैं तो उनसे यही कह रही हूँ फिलहाल घर चलते हैं, अब जिस दिन बर्थडे होगी मेरी 30 मई को उसी दिन देख लेंगे, तो अब देखो बस क्या होता है। आज का दिन कैसा रहा आपके लिए? आज हमारे साथ क्या हो गया प्रैंक आज हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त वाला प्रैंक हो गया है। घूमते 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 बस अब 12 बजे पता चला सालगिरह 30 तारीख को है तो आज तो 28 तारीख है, मैंने गाड़ी वापसी रिटर्न कर ली। मैंने सॉरी आई नहीं, जब तारीख होगी ये तो खैर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 30 को मेरी बर्थडे थी बट हम लोग चाह रहे थे पहले सेलिब्रेट कर लेना। गाइस, बर्थडे तो आप लोगों को पता है लाजमी सी बात है मेरी थी है 30 मई को, बट हम लोग चाह रहे थे कि जाहिर है ये संडे का दिन ऐसा होता है जाहिर है कि सब घर में होते हैं जेंट्स वगैरह भी, तो चलो आसानी से इंसान घूम लेगा। तो हम लोग गए भी वहाँ पर तो ये अपनी पसंद थोड़ा है लेकर गए थे, बट मैं चाह रही थी कि हम लोग जाएँ चौपाल, लेकिन इन्होंने कहा नहीं चौपाल नहीं जा रहे, जहाँ मैं लेके जाऊँगा ना वहाँ चलेंगे, बहुत अच्छी जगह है। तो चलो खैर, हम लोग वहाँ गए और हमारे साथ क्या हो गया, प्रैंक हो गया हमारे साथ। तो बस अभी बस हम जा रहे हैं अपने घर, अभी मैं अम्मी के घर से शाल को ले रही हूँ, बस पहुँच गए यहाँ पर, तो बस जाएंगे थोड़ा सा अम्मी के घर ही खा पी लेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे अपने घर वापस। अब हम देखेंगे परसों इंशाल्लाह, परसों देखो फिर परसों कहाँ जाते हैं। परसों मेरा तो ये है कि बस मुझे जाना है चौपाल। तो गाइस, शाल को हमने नानी के घर से ले लिया है, तो बस अब हम जा रहे हैं अपने घर को वापस। देखो इंसान वाकई गाइस जो सोचता है ना इंसान वो होता ही नहीं है, इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है, वाकई बस सच है ना ये, है ना, इंसान जो सोचता है वो होता ही नहीं है। सोच के इतना कुछ गए थे कि यार
ये करेंगे वो करेंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, लेकिन जो सोचो वो होता ही नहीं है। ये देखो बाबा के साथ ड्राइविंग कर रही हो। अरे मतलब बच्चे बाबा शायद ड्राइविंग कर ले है नन्ना। कैसे मजे आ रहे बाबा शायद ड्राइविंग इच्छो नन्नी बब्बू मेली। तो गाइस आज का व्लॉग ना बस समझने कार में ही घूम घूम के निकल गए हैं। आज का व्लॉग बस हम कार में ही घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। देखें ये वजह है, देखें इसको ना कहीं ले जाने की। यहाँ पे भी रो रही है मैडम। हाँ मिलो बीता करो, मेरी बेटी इतनी अच्छी ड्राइविंग करती है, है ना इशू जी जी। तो गाइस यहाँ बहुत ज्यादा रश हो रहा है, बस अभी जा रहे हैं घर की तरफ। घूम के बहुत थक गए जी। क्या देख लिया आपने वहाँ, क्या देख लिया आपने बताओ, क्या देख लिया है? पता नहीं इस लड़की ने क्या क्या देख लिया जी, बताओ मम्मा को क्या देखा है आपने, बताओ मम्मा को बता दे क्या देखा, मम्मा को बता दे। नानी को तंग तो नहीं किया है ईशु? नो नो देखते नहीं। नानी को तंग तो नहीं किया? नो नो सुन लो भाई, नहीं नहीं किया भाई मेरी बेटी ने नानी को बिल्कुल भी तंग। आज मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया क्योंकि जो कुछ सोचा था कि बर्थडे सेलिब्रेट करनी है इस तरीके से करनी है, यहाँ यहाँ जाना है, वो सब हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने अपना फेस भी रिवील नहीं किया। जिस मैंने अपना फेस रिवील कर दिया उसके बाद आप लोगों को मेरे बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलेंगे और आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों को मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम मेकअप बहुत अच्छा करती हो, सबको मेरा मेकअप बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाऊंगी ताकि सब लोग सीखें। गाइस ये भी लेकर आए फिर से क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग ने कहीं जा ही नहीं सके, तो अब बहुत ज़्यादा शदीद की भूख लग रही है, तो बस अभी हम मैं ये लेकर आए पिज़्ज़ा, तो बस अभी हम खाते हैं फिर खा के हम मिलते हैं। तो गाइस अब बस यहाँ मैं खाने लगी हूँ पिज़्ज़ा, कितना मज़ेदार। आपको तो मैं आपका भी इसी प्लेट में निकाल दूँ। तो गाइस बस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, होप जो कि पसंद आया होगा, पिज़्ज़ा खाते हुए एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय, और ये भी आप लोग भी खाना।